आइए करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, तो ये मान लेते हैं हम कि ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और इसके ऊपर दोनों सिरों पर दो खंभे ये जो हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में यानी लगे हुए हैं, जिनकी ऊंचाई क्या है, एच है। तो ये पहले खंभे को हमने मान लिया ए बी और दूसरे खंभे को मान लिया सी डी। अब कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो हमने एक बिंदु यहाँ पे बीच में पी मान लिया और इस बिंदु से ए का जो उन्नयन कोण है वो जो है 60 डिग्री है, यानी कि पी से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पी से सी का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री है। तो हमारे को जो है अब यहाँ पे खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे को एच निकालना, हाइट निकालनी है यानी कि ए बी और सी डी की लंबाई निकालनी, दूसरा बी पी निकालना है और पी डी निकालना है। तो ये तीन चीज़ें इसमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी पी लेंगे। तो ए बी पी में देखिए कोण जो है 60 डिग्री का है और लंब और आधार है, क्योंकि ए बी और बी पी है तो बी पी निकालना है, ए बी एच दे रखा है, तो टेन 60 डिग्री जो होगा वो होगा ए बी बटे में बी पी। तो ए बी जो है वो हमारे पास एच है और बी पी हमें निकालना है, तो हमने 1060 की वैल्यू रखी रूट 30 और ए बी की जगह जो है एच रख दिया, तो ये एच हो गया। अब जो है देखिए कि इधर जो है बी पी जो है वो हमारे को ज्ञात करना था तो हमने लिख दिया, तो एच जो है वो हो जाएगा बी पी रूट 3 के बराबर। तो इस तरह से बी पी हो गया एच बटे में रूट 3। तो अब इसको रैशनलाइज कर देंगे यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच रूट 3 बटे में नीचे रूट थ्री हो जाएगा, तो ये हमारे पास बी पी हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज जो है वो है पी सी डी, इसको लेते हैं तो यहाँ पे कोण जो है 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री लेंगे और इसके यहाँ पे लंब देखिए सी डी है जो एच के बराबर है और आधार जो है पी डी है वो हमारे को निकालना है, तो ये हो गया 10-30 डिग्री सी डी अपॉन में पी डी। और 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 यानी कि 1/√3। सी डी जो एच है और पी डी हमें निकालना है, तो पी डी क्या हो जाएगा एच वर्गमूल 3 के बराबर। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि बी पी और पी डी दोनों मिलके 80 मीटर के बराबर हैं, यानी कि बी पी प्लस पी डी 80 है। तो आप इसमें चाहते तो पी डी को 80 माइनस में बी पी भी रख के निसीधा भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा बी पी प्लस पी डी जो है वो बी डी के बराबर है जो कि 80 मीटर की है। अब बी पी की वैल्यू हमने निकाली थी एच रूट 3 बटे में 3 और पी डी की वैल्यू निकाली थी रूट 3 एच, तो इन ये दोनों 80 के बराबर हो गए। अब यहाँ से एच रूट 3 जो है दोनों में से कॉमन निकल आएगा तो बाईं तरफ, तो एच रूट 3 कॉमन ले लेंगे और जो है अंदर ब्रैकेट में पहले वाले में से 1/3 यानी कि 1/3 और दूसरे में से एक शेष बचेगा और इधर 80 तो है ही। तो अब देखिए 1/3 और जमा में 1 मिलके 4/3 हो जाएंगे यानी कि 4/3 और ये रूट 3 एच है ही हमारे पास और ये 80 के बराबर है। तो ये देखिए 4 से 80 जो है ऊपर से ऊपर कट गया तो ये 20 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ एच जो है 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 और 60 और नीचे वर्गमूल 3, तो रूट 3 से हम इसको कैंसिल करके भी सिंपलीफाई एक बार में कर सकते हैं, ये हो गया 20√3। तो इस तरह से खंभों की ऊंचाई जो है हमारे पास आई 20√3 मीटर। अब हमारे को बी पी निकालना है, तो बी पी की जो है हमारे पास पहले से वैल्यू दे रखी है, हमने जो पहले निकाली थी वो है एच रूट 3/3 लेकिन हम सिंपल वाली एच बटे में वर्गमूल 3 ले लेते हैं, तो आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो लेकिन कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। एच की जगह 20√3 रखा, √3 से √3 कैंसिल होगा और बी पी आ गया 20 मीटर। अब पी डी निकालना है, तो पी डी हमने निकाल रखा है √3 एच, एच जो है हमने जो है यहाँ पे वो रख दिया 20√3। अब √3 जो है वो 3 हो जाएगा और 20 से गुणा होकर ये 60 बन जाएगा, तो ये हो गया 60 मीटर। अब इसको जो है पी डी निकलाया, तो अब इनका चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम देखते हैं 20 जमा 60 जो है 80 के बराबर है जो कि बी डी के बराबर है, तो इसका उत्तर आ गया